नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जमाने में अपना मानना और अपना मानना है तो किसे मानना बहुत मुश्किल हुआ है, और ये तो राजनीति है। कल तक जो अपने घर में रहा, परिवार में रहा, अपना माना, अपना समझा, वही आज अपने दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो गया है। दोस्तों, 2019 में सरकार बनाने के बाद में सरकार खो चुके उद्धव ठाकरे इस समय अपने विरोधियों के ऊपर काफी हमलावर दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे, हम सभी जानते हैं कि क्या उनके साथ हुआ। उन्होंने सरकार बनाई, फिर वो सरकार इन्हीं के नेता जो आज मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उनके अलग होने के बाद घिरी, और उसके बाद कहीं ना कहीं शिवसेना पूरी टूट गई, बिखर गई। उसके बाद से कई बार, कई मौकों पर उद्धव ठाकरे हमला बोलते रहे हैं अपने विरोधियों पर, लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे एक धार्मिक आयोजन में पहुंचे थे, वहां से उस मंच से भी उन्होंने अपने विरोधियों पर निशाना साधा। दरअसल ये कार्यक्रम था मीरा भाईंदर महानगर पालिका की हद में यादव समाज का गोवर्धन पूजा कार्यक्रम था। इस गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहुंचे और उन्होंने वहां से मंच से अपने विरोधियों को ललकारते हुए तीखा हमला बोला। देखिए उद्धव ठाकरे का ये पूरा वीडियो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। श्री उद्धव जी, बाला साहब ठाकरे जी, जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवानो, भगिनींनो आणि मातांनो, जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव। अरे आप भगवान कृष्ण के पूजा करते हो ना? करते हो कि नहीं? तो जरा जोश दिखाओ, जरा जोश जोश में बोलो जरा, जय यादव, जय यादव, जय श्री कृष्णा, जय शिवाजी। हाँ, ऐसे कुछ चाहिए, नहीं तो भगवान कृष्ण कहेगा, सोचेंगे कि अरे किसके लिए मैं जाऊं। मैं सबसे पहले तो यादव सेवा संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपने धार्मिक समारोह में अपना मानकर मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मैंने इसलिए दिए क्योंकि आज के जमाने में अपना मानना और अपना मानना है तो किसे मानना बहुत मुश्किल हुआ है, और ये तो राजनीति है। कल तक जो अपने घर में रहा, परिवार में रहा, अपना माना, अपना समझा, वही आज अपने दुश्मन बनकर सामने खड़ा हो गया है। और फिर यहीं पर आती है भगवान श्री कृष्ण जी की याद, महाभारत जो गीता समझाई थी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, सामने तो अपने ही थे लोग, तो अर्जुन ने कहा कि मेरे अपने लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं कैसे उठाऊं धनुष बाण। खैर, धनुष बाण भी उन्होंने चुरा लिया अपना, डर गए। लेकिन महाभारत में जो भगवान कृष्ण ने सीख दी है हमें कि सामने कोई भी हो लेकिन धर्म के खिलाफ जो अपना हथियार उठाएगा उसका निर्धारण तो करना ही होगा, करना ही होगा। और सिर्फ हम पढ़ते आए हैं यदा यदा ही धर्मस्य, तो अब जब भी धर्म के खिलाफ अधर्म उठकर खड़ा हो जाएगा तो अपने आप में आपके बीच में भगवान कृष्ण को देख रहा हूं। महाभारत कब हुई पता नहीं, कुछ हजार साल पहले की बात है, लेकिन भगवान कृष्ण से हमने क्या लेना चाहिए, आज के भगवान कृष्ण तो मैं आप सभी में देख रहा हूं। भारत की जनता, हिंदुस्तान की जनता ही भगवान कृष्ण का रूप है। और डॉक्टर साहब क्षमा करिए, आपको थोड़ा सा रोकना पड़ा,
क्योंकि आप तुमचं मन उचंबळून आलं होतं, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, आपको वचन देता हूं, आज की सभा कोई राजनीतिक सभा नहीं है, लेकिन यहीं पर मतलब मैदान तो छोटा पड़ जाएगा, अभी तो छोटा मैदान है, मेरा भाईंदर में पब्लिक मीटिंग ले लो, मैं आता हूं, मैं जरूर आऊंगा, और जो भी बात आपने कही है कि उत्तर भारतीय और मराठी मानुस दो दौर चक्कर के जैसे मिलजुल गया है, ये तो आप मानते हो ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, तो अभी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि दूध और शक्कर में नमक कौन छिड़क रहा है, कौन अपने आप को हमें हमारी जो एकता है उसमें नमक कौन डाल रहा है। अभी तो जमाना है राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है, आनंद की बात है, लेकिन जैसे अभी आपने दो तीन साल पहले कोरोना में क्या क्या हुआ और मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, बस भगवान कृष्ण और भगवान प्रभु राम, तुलजा माता, जगदम्बा, शिवाजी यांच्या आशीर्वादाने जो कुछ मुझे करना था मैंने मेरा कर्तव्य निभाया, और ये कोई दूर की बात नहीं है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण जब होने जा रहा है तब मुझे वो भी दिन याद आ रहे हैं 92-93। आपने कहा, आप सभी लोगों का बड़प्पन है कि मैंने आपको कुछ एक मैंने आपको बचाया, लेकिन उस वक्त शिवसेना ने मुंबई में रहने वाले हिंदुओं को बचाया था। आज तो ठीक है, बड़ा मंदिर वहां निर्माण होने जा रहा है, लेकिन वो जमाना ऐसे था कि हिंदू, मैं हिंदू हूं कहने के लिए लोग डरते थे, कैसे कहूं, और बीजेपी की तो बात ही छोड़ो, जब यहां मुंबई जल रही थी तो एक में वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी और उनके शिव सैनिक, ना हाथ में कोई सत्ता थी ना कुछ ना कुछ, जो देशद्रोही अपने खिलाफ आए थे, धर्म के खिलाफ अधर्म, तो धर्म की रक्षा करने वाली शिवसेना है, धर्म की रक्षा करने वाली है, लेकिन हमारा हिंदुत्व सिर्फ दूसरे धर्म का द्वेष करना नहीं है। मेरे पिताजी जो कहा करते थे कि हिंदुत्व मतलब राष्ट्रीयता है, ये देश मेरा, मतलब मेरा देश मानने वाला, ये वतन मेरा है मानने वाला हर कोई है, वो हमारा है, अपना है, देश के लिए जान देने वाला जो है वो हमारा अपना है, बाकी तो बाकी बातें ठीक है। आप सदियों से यहां रह रहे हो, कभी कभी कुछ उत्तर भारतीय मेरे घर में आते हैं, अच्छी मराठी में बात करते हैं, तो मैं उनको पूछता हूं कि भाई साहब आप कहां से हो, तो कहते मैं उत्तर प्रदेश से हूं। अच्छा, गांव कौन सा, तो आप काहे का गांव, मेरे दादा यहां आके बसे, तो अभी हम मुंबई यही हमारा गांव हो गया, अभी गांव कुछ रहा ही नहीं। अच्छी बात है, इतनी अगर एकता है, और बीच में किसी ने कहा कि जब अपनी सरकार केंद्र में आएगी जरूर आएगी और हमें लाना ही होगा, तो राजन विचारे को मंत्री बनाओ, मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, उसके चाहे तो आज की पूजा में मक्खन होगा तो मक्खन भी ले लो। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपना अनुभव जो आपने अनुभव लिया है, शिवसेना का अनुभव लिया है, चलो मैं मुख्यमंत्री था मेरे कार्यकाल का अनुभव लिया है, वो अनुभव को आप मत भूलो। जैसे भी चुनाव नजदीक आएंगे तो आपके गांव से लोग लाए जाते हैं, यहां से वहां से लाते हैं ना, आप कहां से हो, यादव हो, ब्राह्मण हो, ये हो वो हो, उत्तर प्रदेश में कहां से रहने वाले हैं, तो आपके गांव से कोई वहां के मुखिया हो सकते हैं, लेकिन वो उनके पार्टी के होते हैं, वो आपके बीच में आते हैं, आपको भी अच्छा लगता है कि अरे कोई तो मेरे मायके से कोई आ गया, ऐसे लगता है, और वो आकर आपके आपके बस्ती में रुकता है, रहता है, और आपका ब्रेन वॉश करता है ना, सही है। फिर 5 बज जाते हैं, 6 बज जाते हैं, वो वोटिंग मशीन बंद होता है, फिर अपना आपके आपके मायके से जो आता है वो गायब होता है, फिर रहते हम आप और हम तुम एक शहर में बंद हो, चाबी तो खो नहीं देंगे हम,
लेकिन बाद में आप और हम इस शहर में रहते हैं, जब भी कोई जरूरत आती है तो आप हमारे साथ आते हैं, हम आपके साथ देते हैं, लेकिन चुनाव आते हैं तो न जाने कहां कहां से, भले आपके गांव के लोग हो, वो आपके बीच में आकर आपका ब्रेन वॉश करते हैं। और इसलिए मैंने जो बात की शुरुआत की कि दूध और शक्कर में नमक छिड़कने वाला कौन है, उससे आप दूर रहो। उनको कहना भाई साहब आप, हम यहां सुखी हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे यहां महाराष्ट्र में सुखी हैं, मुंबई में सुखी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई संकट नहीं है। जब भी कोई आपत्ति आती है, वो चाहे निसर्ग का प्रकृति का प्रकोप हो या दंगा फसाद हो या कोई एक्सीडेंट हो, पहले दौड़कर कौन आता है? शिवसेना आती है कि नहीं आती है? जैसे यादव समाज संस्था आप जैसा काम करती है, वैसे मेरे गांव में हर गली में शिवसेना की शाखा है, वो शिवसेना की शाखा और शिवसैनिक जो बाला साहब का शिवसैनिक पहले दौड़ कर जाता है, कभी कभी अपनी जान की भी परवाह नहीं करता है। और ऐसी भी कोई घटनाएं हुई है कि बचाते बचाते मेरे शिवसैनिकों ने अपनी जान गंवा दी है, अपनी जान गंवा, लेकिन वो परवाह नहीं करते, अपने परिवार की परवाह नहीं करते, अपना मेरा क्या होगा, मेरे बाल बच्चों का नहीं, मेरे सामने कुछ हो रहा है तो पहले उनको मुझे बचाना चाहिए। यही हमारा हिंदुत्व है। और कई बार मैंने कहा है, हाँ हम भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, प्रभु रामचंद्र का मानते हैं, सबको मानते हैं। एक महीने पहले जहां चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, हुए राजस्थान, छत्तीसगढ़, ठीक है जो भी परिणाम आए सबके सामने हैं, लेकिन खास कर मध्य प्रदेश में कहा गया, हमारे केंद्र के गृह मंत्री जी ने कहा कि हम, अगर आप हमें वोट करेंगे तो हम आपको रामलल्ला का जो दर्शन है वो फ्री में करवा देंगे। क्या रामलल्ला आपकी प्रॉपर्टी है? हाँ, रामलल्ला आपकी प्रॉपर्टी है? अरे कितने साल हो गए, सालों से चलते आ रहे हैं जय श्री कृष्ण जय श्री राम, आप तो अभी अभी आए हो और आपको अभी ऐसे लगने लगा कि जय श्री राम या जय बजरंगबली की जय बोलेंगे तो सारे हिंदू हमारे साथ आ जाएंगे। और यही फर्क है उनके हिंदुत्व और में हमारे शिवसेना के हिंदुत्व में। हमारा हिंदुत्व कैसे है, हृदय में राम और हाथ को काम देने वाला हमारा हिंदुत्व है। मोफत रामलला का दर्शन करो, अगर मध्य प्रदेश में करना चाहते हो, अगर कर रहे हो तो मेरे मराठी महाराष्ट्र में रहने वाले हिंदुओं का क्या, उन्होंने क्या कौन सा गुनाह किया है, कौन सा अपराध किया है, उनको फ्री में रामलला का दर्शन आप क्यों नहीं करते? सबको करो, पूरे रामलला तो पूरे विश्व का है, सारे हिंदुओं का है, तो आप ऐसे कैसे पूछ सकते हो, अरे आप कहां से आए हो? मध्य प्रदेश। वोट किसको दिया था? अच्छा हमें दिया था, चलो जाओ इसको छोड़ो, फ्री में छोड़ो। आप कहां से आए थे? मध्य प्रदेश से। वोट किसको दिया था? कांग्रेस को, चलो इससे पैसा ले लो। ये हिंदू तो आप मानते हो, ऐसा हिंदू तो आपको चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं, आप सारे लोग मुंबई में आए, क्यों आए? काम के लिए आए ना, कष्ट करते हो कि नहीं करते हो? बराबर है, लेकिन अब कहां करेंगे काम, क्योंकि 8-10 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात गए थे, मुंबई से सारे उद्योग गुजरात लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र से सारे उद्योग गुजरात लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र के बाहर सब लेके जा रहे हैं, तो क्या वापस आप यहां से उठकर वहां चले जाओगे? और यहां भी जो आपके साथ, हमारे साथ जो गुजराती लोग रहते हैं, वो भी क्या करेंगे, जाएंगे वापस सूरत? गुजरात मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, क्यों? महाराष्ट्र मजबूत होगा तो देश नहीं मजबूत होगा, उत्तर प्रदेश मजबूत होगा तो देश नहीं मजबूत होगा? अपने देश में और कोई राज्य नहीं है, सिर्फ अकेला गुजरात मजबूत हो जाएगा और देश मजबूत हो जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है, दुख नहीं है, खेद नहीं है, गुजरात मजबूत कर रहे हो करो, लेकिन हमारा छीन कर मत करो। यहां सारे लोग सुख से रह रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और ये सारी बातें मैं जब भी पब्लिक मीटिंग आप करेंगे तो विस्तार से जरूर कहूंगा। आज तो मैं इतना ही कहता हूं, कृष्ण श्री कृष्ण जी को प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, उस वक्त जो भगवद गीता आपने अर्जुन को समझाई थी, वही भगवद गीता आप हमारे सारे हिंदू भाई और बहनों को समझाओ। जो हिंदुत्व का आधार लेकर हिंदुओं के खिलाफ एक तानाशाही लाने की कोशिश कर रहे हैं,
तानाशाही को खत्म करने के लिए हे भगवान आपका जो तेज है आपका जो अंश है मेरे सब माता बहनें और मेरे भाइयों के बीच में डालो और जब चुनाव आएगा तो जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वैसे मैं आपको कहता हूं जय श्री कृष्ण कहो जय श्री राम कहो और तानाशाही को खत्म करो। जय हिंद जय महाराष्ट्र। इस वीडियो के बारे में क्या अपनी राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान कीजिए। धन्यवाद। एफ न्यूज लाइव को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक रूप से मजबूत करें। धन्यवाद।